हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। माय नेम इज़ इमैनुअल जेम्स। वेलकम टू माय चैनल इमैनुअल जेम्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल में टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड वर्क परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन डालता हूं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सारी चीज़ें ए टू जेड मैं सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। अगर इस तरह की वीडियो चाहिए देन मेरे चैनल को डू सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ यूज शेयर करें। अगर कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो वीज़ा के रिगार्डिंग, देन मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, डेफिनेटली मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बट दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो है, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस मैं आपके साथ करूंगा, कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है उसी के रिगार्डिंग बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप किया, सेकेंड, थर्ड, ये सारे स्टेप नहीं पता, उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा, मेरे जो प्राइस है वो थोड़े इंक्रीज हुई है, उसके बारे में बात करूंगा। चाहे वो इनिशियली पेमेंट थी या पूरी टोटल पेमेंट थी, सभी चीज़ आज इंक्रीज हुई है। आपको पता, किसी के साथ एसोसिएट मैं हुआ हूँ थोड़ा सा, फिर वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, एंड काम बढ़ भी रहा है, इसलिए थोड़ा इंक्रीज करना पड़ रहा है, तो उसी के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे पास जो जॉब होती है, स्किल्ड जॉब होती है, अगर आपके पास किसी भी तरह का स्किल्ड है एंड एक्सपीरियंस वाले बंदे हो, ब्लू कॉलर जॉब वाले आप बंदे हो, देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। माल्टा वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये ओपन हो गया 24 फरवरी से, बट कुछ कंडीशन है उसमें के एक्सेप्शनल जो फाइल हैं वो ही उठाते हैं, तो सभी के लिए नहीं हो पाएगा, बट जो एक्सेप्शनल फाइल है वो ही उठा पाएंगे। वो क्या एक्सेप्शन है वो मिला प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है। एंड बड़ी जल्दी ही ये सारी चीज़ ओपन हो जाएगी, वर्क परमिट वीज़ा, ठीक है, देन डेफिनेटली सब कोई अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, एंड अपने डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कैसे अप्लाई करना, मैं कैसे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए क्या प्रोवाइड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, मैं कंपनी को सर्च करता हूँ, उसमें आपका रिज्यूम एंड कवर नोट सेंड करता हूँ। अगर कोई मेरे को कंपनी रिप्लाई करती है, देन हम उसके साथ फिर अच्छे से कॉन्टैक्ट करके आपको जॉब ऑफर लेटर लेके देते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेके देते हैं, फैन कंपनी के थ्रू हम आपको माल्टा आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। जब तीनों चीज़ आपके पास होती है, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए इंडिया में, VFS ग्लोबल में, ठीक है। जब आपका VFS ग्लोबल में वीज़ा लग जाता है, फिर टिकट, मेडिकल इंश्योरेंस, काफ़ी चीज़ें फिर हो जाती है, ठीक है। इसमें टोटल आपका जो चार्जेस लगे, पहले 1,00,000 लगता है, बट अब जो टोटल चार्ज लगे वो 1,20,000 लगेंगे, ठीक है, 120, मतलब 1,20,000 आपको टोटल चार्ज लगेंगे। इसमें जो 1,20,000 आपको 6 EMI में देने पड़ोगे, मतलब 6 किस्तों में आपने EMI को 1,20,000 देना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कैसे, फर्स्ट स्टेप होगा, जिस तक आपने मेरे को CV सेंड करना है एंड एक्सपीरियंस लेटर सेंड करना है, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक, पासपोर्ट साइज फोटो सेंड करनी है, देन कंपनी को सर्च करेंगे एंड आपको जॉब ऑफर लेटर दिलाएंगे। उसके लिए मैं चार्ज करूंगा आपसे, पहले 2,000 चार्ज करता, अब आपसे चार्ज करूंगा 3,000, ठीक है। मार्च मंथ में, आज फर्स्ट मार्च है, इसमें अब आज से लेके आगे ऑनवर्ड मैं आपसे 3,000 पे चार्ज करूंगा, जहां 2,000 चार्ज करता अब 3,000 चार्ज करूंगा। ऐसे नहीं कि जो प्रीवियस जो कस्टमर मेरे पास है उनसे 3,000 चार्ज करूँ, ऐसे नहीं है। जो न्यू कस्टमर आएंगे, आज से जो नई फाइल मेरे पास आएगी, 3,000 पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। उसमें आपको क्या मैं प्रोवाइड करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इंटरनेशनल लेवल का CV बना के दूंगा, सेकेंड थिंग कवर नोट बनाऊंगा, जिस भी कंपनी में हमने अप्लाई करना है कवर नोट सबको सेंड करना पड़ता, वो मैं करूंगा, ठीक है। एंड 30 दिन आपके लिए काम करूंगा, 30 डे मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू जो एजुकेशन एक्सपीरियंस, डेली कंपनी को सर्च करूंगा, कंपनी में आपका CV एंड कवर नोट सेंड करूंगा, ठीक है। 30 दिन ये मैं काम करूंगा, मतलब डेली 4-5 कर, मान लो 5वीं करता तो महीने के 150 कंपनी होगी, 150 कंपनी में अप्लाई करेगा, उसमें से जो रिजल्ट आएगा, उसमें से जो कंपनी में रिप्लाई करेंगे, दैट हम वर्क परमिट के लिए उससे आगे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप CV एक्सपीरियंस लेटर, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक, पासपोर्ट साइज मेरे को फोटो सेंड करनी है, 3,000 पे सेंड करनी, जिसमें इंटरनेशनल लेवल का CV बना करूंगा, कवर नोट बनाऊंगा एंड 30 दिन आपके लिए काम करूंगा, डेली 4-5 कंपनी को आपके बिहाफ पे CV एंड कवर नोट सेंड करूंगा। जो काम आपको करना था वो काम मैं करूंगा। ट्रस्ट मी, फर्स्ट स्टेप भी क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है। जब फर्स्ट स्टेप क्लियर कर देते, कोई भी कंपनी आपको जॉब ऑफर लेटर दे देती है, देन आगे वर्क परमिट अप्लाई करने की इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। फर्स्ट स्टेप ही आपका डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर लेटर दे,
यही प्रॉब्लम है, ठीक है। काफ़ी कंपनी नहीं देती है, कंपनी क्यों आपको दे ये उनको कन्विंस करना पड़ता है, एंड कंपनी उस तरह की सर्च करनी ये भी डिफ़िकल्ट काम होता है, ठीक है, मेहनत वाला काम। तो इसलिए जो काम आपको करना वो काम मैं करूँगा, उसके लिए मैं 3000 रुपये चार्ज करूँगा, ठीक है। एंड ये नॉन रिफंडेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन रिफंड, जिसने अप्लाई करना ये चीज़ ध्यान रहे, ये नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि CV बनाने में जो टीम है वो उसकी मेहनत लग गई, कवर नोट बनाने में जो हर एक डेली जो बनता उसमें भी मेहनत लगी, क्योंकि जो कवर नोट है एक ही कवर नोट को हर एक कंपनी में नहीं चिपकाना होता, सब कंपनी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो डेली 4-5 कंपनी को अप्लाई करना, उसके लिए भी मेहनत पहले ही लग चुकी होती है हमारी, तो वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। उसके बाद 6 किस्तों में 1,20,000 आपको देना, वो आपको कैसे देना वो मैं आपको पहले बता दूँ। जैसे आपको जॉब ऑफर लेटर आ गया, उसको साइन करके जो भी उन्होंने ऑफर किया कंपनी ने उसको साइन करके उनको रिप्लाई करना, उनकी मेल पे दोबारा साइन करना, देन वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर सेंड करेंगे कि वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको क्या ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर वो साइन करके देना, उसके बाद वो आपको माल्टा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप माल्टा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे कंपनी, फिर आपको 20,000 की किस्त देनी पड़ेगी, पहली किस्त आपको देनी पड़ेगी। पहले जब जॉब ऑफर लेटर आता, मेक श्योर कि कंपनी से आप खुद बात कर ले, मतलब अपने सेटिस्फाई हो गए कंपनी से बात कर ले, फ़ोन पे, स्काइप पे, मेल पे, जिस भी जरिए से आप करना चाहते हो, अपने वकील को दिखाना चाहते हो, जिसको भी दिखाना, पढ़े लिखे बंदे को दिखाना चाहते हो उसको दिखाओ, सेटिस्फाई हो। जब आप जॉब ऑफर लेटर से सेटिस्फाई हो गए, देन उसको साइन करके सेंड करना, देन कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ गया। कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर आप सेटिस्फाई हो, कंपनी से बात करो, गूगल में सर्च करो, स्काइप पे बात करो, सारी चीज़ करो, उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो गए, देन आपने साइन करके उनको सेंड करना है, देन हम माल्टा आइडेंटिटी के लिए उनसे अप्लाई कराएंगे, ठीक है। जब आपको माल्टा आइडेंटिटी अप्लाई करना, देन आपको 20,000 की किस्त देनी पड़ेगी, ठीक है। तब फिर आपका मतलब माल्टा आइडेंटिटी अप्लाई होगा, माल्टा आइडेंटिटी आपके पास आया, उसको वेरीफाई करें, आपने वकील से दिखाए, पढ़े लिखे बंदे से दिखाए, सेटिस्फाई पूरी तरह हो, कंपनी से बात करे, देन वर्क परमिट अप्लाई करे VFS ग्लोबल में, ठीक है। उसके बाद जब वीजा आता, फिर आपने एयर टिकट करनी, मेडिकल करनी, वो तो स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। जैसे पहले आपको माल्टा आइडेंटिटी के टाइम 20,000 देना, उसके बाद एयर टिकट के टाइम, फिर वीज़ा के टाइम देना, उसके बाद मेडिकल के टाइम, उसके बाद आपने इंश्योरेंस जब कराने, देन उसके बाद जो लास्ट में एजेंट का जो फीस होता है वो करना, मतलब 6 किस्तों में आपने स्टेप बाय स्टेप 6 किस्तों में आपने 20,000 देने, ठीक है। अगर आप फर्स्ट स्टेप में क्लियर नहीं हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो मेरे काम से, देन सेकंड स्टेप को नहीं उठाना, ठीक है। सेकंड स्टेप से आप सेटिस्फाई नहीं हो, थर्ड में नहीं जाना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मतलब जो 3,000 है वो नॉन रिफंड है, बाकी फर्स्ट स्टेप में आप जाओगे अगर उसमें आपने 20,000 दे दिया बट उसमें सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप डायरेक्ट मेरे को बोल सकते हो हम सेटिस्फाई नहीं है, हमारे पैसे वापस कर दे, कोई कटिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, वो आपको उसी तरह रिफंड हो जाएगी, ठीक है। आई होप मैं अपनी बात को क्लियर कर पाया एंड हर एक बात आपको अच्छे से समझा पाया। मतलब अब जो चार्जेस लगेंगे माल्टा वर्क परमिट के लिए 1,20,000 लगेंगे, स्टार्टिंग में जो आपने मेरे को CV बनाने, कवर नोट बनाने, 30 दिन के लिए काम करने के लिए देने, वो 3,000 रुपये देने। आज 1 मार्च से ये 1 मार्च 2021 से ये अप्लाई हो चुका है। अब जो कस्टमर कोई भी आएगा इसी मतलब जो इसी प्राइस में आएगा, जो प्रीवियस चल रहा है वो उनका चेंज नहीं है, जिनकी फाइल लग चुकी है उनका कोई चेंजिंग नहीं है, उनके सेम ही है, बट जो न्यू आएंगे उनका सबका चेंज है, इंक्रीज होके करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड आई होप जो सभी लोग मेरे से पूछते हैं फर्स्ट स्टेप कैसे स्टार्ट करना, बाकी सेकंड कैसे करना, थर्ड करना, मैंने ये सारी चीज़ आपको आपके सामने रखी। अगर आपको अच्छी लगे देन ही अप्लाई करें, अगर नहीं अच्छा लगे तो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, आपको कोई जो जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप इसमें मेरे से अप्लाई करना, आप किसी खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। खुद अप्लाई करने का सारा सिस्टम मैंने हर एक वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ मैं बताया। फर्स्ट स्टेप क्लियर करना ही जरूरी है, जब जॉब ऑफर लेटर आ जाएगी देन बाकी सारे स्टेप क्लियर हो जाते हैं, जब फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं होगा देन बाकी स्टेप क्लियर करने मुश्किल हो जाते, ठीक है। तो एंड थैंक यू सो मच मेरी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, ठीक है। लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कोई कमेंट है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, एंड मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है यही है
इंडिया का कोड अपने लगाना +91 मेरा इंडिया का कोड है, उसके बाद आप मेरा नंबर 9646313099 एक बार क्लियर कर दूँ। आपने मेरे को डायरेक्ट कॉल नहीं करनी, हमेशा प्रेफर करें कि मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करें। जब मेरे को टाइम लगेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा एंड आपको टाइम दे दूंगा कि आप मेरे को उस टाइम मेरे को कॉल कर लें। मेरे को डायरेक्ट कॉल मत करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।